जिन किसान भाई और बहनों ने समय से धान की रोपाई की है उनकी फसल जो है लगभग 20 से 25 दिन की हो गई होगी। तो इस समय जो है मुख्य शस्य क्रिया जो है इस बात का ध्यान रखना, पोषक तत्व प्रबंधन। यदि हम गोबर की गली सड़ी खाद डाल रहे हैं तो 10 से 12 टन रोपाई के समय डाल देनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की जो है हमारी मात्रा लगभग 130 से 140 किलोग्राम जो अधिक उत्पादन देने वाली फसलें हैं, लंबी अवधि की किस्में हैं, उनके लिए जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ जो है 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की। जब हम लास्ट पडलिंग करते हैं उस समय जो है हम पडलिंग करने से पहले जो है पूरी फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट से हमको फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी मिलती है, तो हमारे दोनों पोषक तत्वों की आपूर्ति सिंगल सुपर फॉस्फेट से हो जाती है। पोटाश की जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश से देना चाहिए, और जिंक को जो हमको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो 21% का जिंक आता है, क्योंकि उसमें सल्फर भी होती है जिंक भी होती है, तो हमको लास्ट पडलिंग के समय डाल देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो हमको उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के जो है हमको लगभग 6 से 8 दिन बाद देना चाहिए, ताकि हमारे जो है पौधे जड़ें मजबूत हो जाएं और जड़ें जो हैं हमारी नाइट्रोजन को लेने की क्षमता रखें। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर देंगे, अर्थात पहली डोज जो है 6 से 8 दिन बाद, दूसरी डोज जो है 25 से 30 दिन रोपाई के बाद देनी है, और जो हमारी 1/3 भाग बची हुई है उसको जो है हम 50 से 60 दिन बाद देनी चाहिए। बासमती धान के लिए मैं बताना चाहूँगा थोड़ी नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, विशेषकर जैसे हम पूसा बासमती 1121 लेते हैं, पूसा बासमती नंबर 1 लेते हैं, पूसा बासमती 1612 लेते हैं, या पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1460, इन किस्मों को लेते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन की लगभग 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। उसको भी लेकिन 3 भागों में बांट कर देने की जरूरत होती है। तो पानी जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है, दरार पड़ने से पहले पानी देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खड़ा नहीं रखना है, बल्कि 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहेगा तो उसके अंदर जो खरपतवार भी कम आएंगे और अच्छे कल्ले बनेंगे। इनकी फसल 20 से 25 दिन की होगी है, तो कुछ पौधे किसी कारणवश मर गए होंगे या किसी कारणवश कोई बीमारी आ गई होगी, जैसे विशेषकर हमारी जो है इसके अंदर जो बकाने दी जाती है, तो उन पौधों को निकाल दें जिनमें बकाने देखी गई है, और या उसके साथ साथ पौधे कुछ मर गए उसके स्थान पर जो है उसी किस्म के दूसरे पौधों को लगाएं, उसको हम गैप फिलिंग कहते हैं। किसान भाई और बहनों, यदि आप देर से रोपाई कर रहे हैं किसी कारणवश जो है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको जो हमारी कम अवधि वाली किस्में हैं उन्हीं को रोपाई करना चाहिए, पूसा 1692, पूसा 1509, इनको लगाना चाहिए। जो किस्में हमारी हैं बहुत अच्छी हैं और अच्छी पैदावार देती हैं, इनका जो रोपाई का अनुमोदन है वो 20 से 25 जुलाई तक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि खेत को जो है हम लेवलर द्वारा जो है इकसार कर लें, समतल करने के बाद में फिर पानी भर के 5 से 7 सेंटीमीटर तो हम पडलर द्वारा जो है उसकी जुताई करें, और जुताई करते समय जो है इस बात का ध्यान रखें कि हम 3 से 4 बार जो है उसकी जुताई करें, और जब हमारा जुताई करने के बाद में लेज फिर पटेले से जो इकसार कर लें और उसके बाद में जो रोपाई करें, रोपाई करते समय जो है लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है, और जो है एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। और यदि आपकी पौध जो है कोई ज़्यादा अवधि की हो गई है, अर्थात 25 से 30 दिन की या 35 दिन की हो गई है, तो ऊपर से काट के तभी जो है उसकी पत्तियों को तभी रोपाई करें। तो इस तरीके से जो करेंगे रोपाई तो कल्ले अच्छे बनेंगे और आपकी पैदावार अच्छी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि देर से रोपाई करते समय भी पोषक तत्व प्रबंधन जो है हमको किस्म के अनुसार करना है। यदि आप, मैंने ये दोनों किस्में बताई हैं देर से रोपाई कर रहे हैं, तो इसके लिए लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, पूरी मात्रा फास्फोरस की, पोटास की, जिंक सल्फेट की आखिरी जुताई करते हैं पानी भरते समय, तो उस समय कर दे देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो है हमको उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के जो है 6 से 8 दिन बाद पहली मात्रा, और 1/3 भाग जो है 25 से 30 दिन बाद, और बची हुई 1/3 भाग जो है उसको रोपाई के 50 से 60 दिन बाद देना चाहिए।